वालेकुम हाय दोस्तों मैं हूँ साजिदा आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई और अनोखी मिठाई लेकर आई हूँ इस तरह से मिठाई आपने कभी ना देखा होगा ना ही खाया होगा इसके सामने छेना रोल मलाई रोल सारी दुनिया की मिठाई फेल हो जाएगी दोस्तों तो बिल्कुल नए अंदाज में बनी हुई नई नवेली मिठाई अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन कप दूध ले लिया है और दूध को उबलने देते हैं दूध जैसे ही उबल जाए अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर लीजिए साथ ही वन टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर लीजिए दोस्तों और दूध को अच्छे से उबालते हुए हमें थिक बनाना है रबड़ी की कंसिस्टेंसी बनाना है दोस्तों तो इसे मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है ठंडा होने के लिए तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रेडी करके रख लिया है ये देखिए ये मैंने इतना थिक बनाया है रबड़ी की कंसिस्टेंसी ये देखिए तो इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है अब इसे साइड में रखते हैं और एक कप मैंने फ्रेश मावा बनाया है ये घर का बना हुआ शुद्ध खोया है अगर आप मुझे बोलोगे बताओगे तो मैं आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेश खोए की रेसिपी अब मैंने यहाँ पे ब्रेड को ले लिया है ब्रेड को हमें अच्छे से कट करना है तो फ्रेंड्स इसे कट करने के लिए मैं गिलास का इस्तेमाल करूँगी ये देखिए ये छोटा सा गिलास है और ये मीडियम गिलास है अगर हम छोटे गिलास से लेंगे तो हमें ब्रेड का छोटा पोर्शन मिलेगा और मीडियम से लेंगे तो हमें मीडियम मिलेगा लेकिन मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसिस इससे कट किए हैं इस गिलास से तो हमें अच्छा पोशन मिल जा रहा है ब्रेड का तो हम इसी से कट कर लेंगे ये हमें गोल शेप में कट करना है दोस्तों तो इसे कट कर लेती हूँ मैं और इसे इसके ब्रेड के जो हमारे कॉर्नर्स बच गए हैं इसको वेस्ट नहीं करेंगे इसका क्रम्स बना लेंगे तो फ्रेंड्स ब्रेड हमारा जो है वो कट हो गया है इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड्स को कट कर लिया है दोस्तों गोल शेप में तो ये देखिए मैंने आठ ब्रेड का इस्तेमाल किया है यहाँ पर अगर आपके पास वाइट ब्रेड नहीं है तो आप ब्राउन ब्रेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो सेम मिलेगा रेसिपी आपको तो यहाँ पर मैं खोए को मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि इसमें भी इलायची का पाउडर था अब इसे एक सैंडविच के जैसे अच्छे से स्टफिंग लेके इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे अच्छे से प्रेस करते हुए हमें स्टफिंग को रखना है दोस्तों ताकि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए एंड आई एम श्योर ये मिठाई आपने कभी खाई नहीं होगी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो मेरे चैनल पे तो ये देखिए इस तरह से बना लिया है मैंने मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों इस तरह से हमें फिर से अच्छा सा स्टफिंग स्टफ़ करना है स्लाइस पे ब्रेड की ताकि अच्छी सी बाइट मिले हमें तो दूसरे वाले को भी मैंने इस तरह से बना लिया है तो यहाँ पर मैंने बना के सब रख लिया है दोस्तों अब जो मैंने रबड़ी बनाया हुआ था उसको मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी इसके ऊपर डाल दूंगी अच्छे से ये जो ब्रेड की स्लाइसेस है ये रबड़ी सारा अब्ज़र्व कर लेगी दोस्तों तो इसे अच्छे से पोर करना है ताकि कोई भी ब्रेड की स्लाइसेस सूखी ना रह जाए अच्छे से ये ढक जाए रबड़ी से तभी खाने में बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा दोस्तों तो ये मैंने कर दिया है अब मेरे पास कुछ पिस्ता है उसे मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ डेकोरेट कर देती हूँ जिससे इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों तो अगर आपके पास पिस्ता वग़ैरह नहीं है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है दोस्तों आप इसे ठंडा कर लीजिए चिल कर लीजिए और ठंडा ठंडा सर्व कर लीजिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है इसके सामने मावा रोल छेना रोल सारे रोल्स फेल हो जाएंगे तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ कुछ अलग शेयर करूँ ये मेरी फेवरेट सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है दोस्तों तो कैसी लगी है आपको ये नई नवेली रेसिपी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका वेलकम वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रहती हूँ लाती रहती हूँ आप लोगों से कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो तो फिर से मिलूँगी मैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़